एक्टर जॉन अब्राहम अपनी फिल्म को लेकर आजकल चर्चा में हैं। ये फिल्म मानते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सेक्युलर जगह नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि आखिर आपको किसने कहा कि इंडस्ट्री सेक्युलर है, ये इंडस्ट्री 100% सेक्युलर नहीं है, ये बटी हुई है। उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि पूरी दुनिया का ध्रुवीकरण हो रहा है। मेरी फिल्म में एक डायलॉग है, ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी को सब त्रासदियों झेलनी पड़ती है, बल्कि पूरी दुनिया को चीज़ें झेलनी पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप को देखो, ब्रेग्जिट को देखो, बोरिस जॉनसन को देखिए, दुनिया का आज ध्रुवीकरण हो चुका है। आप इस दुनिया में रहते हैं तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत दुनिया के बेहतरीन देशों में से एक है और ये दुनिया की बेस्ट इंडस्ट्री में से एक है। 46 साल के जॉन ये भी मानते हैं कि सोशल मीडिया को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पर ट्रॉल करते हैं उनका कोई चेहरा नहीं होता। सोशल मीडिया के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हेट कमेंट्स जैसी कई विवादित चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर ही ज़्यादातर दिखती हैं, क्योंकि जब आप किसी ऑडियंस में बैठे होते हैं तो लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों का चेहरा नहीं होता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर सबसे जहरीले और भयावह कमेंट्स देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जॉन की आने वाली फिल्म बाटला हाउस साल 2008 में हुई दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर आधारित है। इस फिल्म का मुकाबला अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल से होगा। खास बात यह है कि इसी दिन यानी 15 अगस्त को ही अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मेटवानी और नीरज धेवान द्वारा निर्देशित सेक्रेड गेम्स भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहा है।